हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल खोम प्रसाद पर। आज बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। आप बस बात करने से पहले देखे कि इसके पहले हम लोग वर्नर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े हैं और वर्नर ने अपने कॉन्सेप्ट में जो कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में समझाया, जिसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर और ही अलग अलग तरीके से प्रतिपादित किया गया है। तो यहां पास देखे, सबसे पहले वर्नर थ्योरी के बाद जो थ्योरी दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद दिया गया लिगेंड फील्ड थ्योरी, उसके बाद दिया गया है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के चलिए देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिस्कवरी सबसे पहले पॉलिंग और स्लेटर ने 1931 में दिया है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको इसी को एप्लीकेबल करते हुए दिया गया है इस सिद्धांत को। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा इंपॉर्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग, कि जो सेंट्रल एटम आयंस होता है या सेंट्रल मेटल होता है उसके ग्राउंड स्टेट और उसके साथ साथ उसके एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, उस बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर यह लिगेंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे तो यहां पास सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड के बारे में बताया गया है। तीसरे नंबर पॉइंट की बातें करें तो इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमको दो तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, एक स्ट्रक्चर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे और एक स्ट्रक्चर जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे। लेकिन अगर यहां पास देखा जाए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलता है तो वह दो तरह से स्ट्रक्चर देता है। इसको आगे इस थ्योरी के एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन क्या रहा, सबसे पहले बात कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें जो डी ऑर्बिटल होता है वह डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, खाली होता है, और उस मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड जुड़ा रहता है वह लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को देता है। इस तरह से लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल एक्सेप्ट करता है। सेकेंड नंबर बात करें कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम है और इस तरह से यह एन है वह कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एसपीडी कक्षक, जो कि मेटल के कक्षक के साथ अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करता है और ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, जिसके कारण वह जियोमेट्रिकल देता है या स्ट्रक्चर देता है और इनकी स्ट्रक्चर फिक्स होता है। इस तरह से यह तीन स्ट्रक्चर देता है, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, एक देता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। यहां पर बात करें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जब कंपाउंड में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे उस कंडीशन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देगा। जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है वह दो तरह से स्ट्रक्चर शो करता है, एक इनर कॉम्प्लेक्स और सेकेंड नंबर पर यह शो करता है आउटर कॉम्प्लेक्स। तीसरा पॉइंट की बातें करें कि जो लिगेंड होता है उस लिगेंड पर कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे सके,
और इस तरह से जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को देता है तब इसके पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर अगला पॉइंट में बात करें कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उस पर कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताया जा सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरह से होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह से शो करेगा, एक रहेगा डायमैग्नेटिक और एक शो करेगा परामैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक रहेगा उसको प्रतिचुंबकीय कहा जाता है और परामैग्नेटिक को अणुचुंबकीय कहते हैं। अगर जो मेटल है उस मेटल के डी ऑर्बिटल पर अगर इलेक्ट्रॉन है वह पेयर पर हो तो उसे डायमैग्नेटिक कहा जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तो उसको परामैग्नेटिक कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर इनका ट्रिक याद रखे तो इस तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं। अणुचुंबकीय तब होगा जब उस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अगला एक्सप्लेनेशन की बातें करें, लिगेंड के नेचर डिपेंड करता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में। जैसे कि हमको पता है जो लिगेंड होता है वह दो तरह के होता है, एक स्ट्रांग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड जो होता है वह हमेशा मेटल के डी ऑर्बिटल को पेयरिंग करता है और वीक लिगेंड जो होता है वह पेयरिंग नहीं करता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन रहा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें यहां पर कि सबसे पहले यह मेटल के बारे में बताता है जो कि मेटल पर डी ऑर्बिटल जो होता है वह वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए डी ऑर्बिटल, और यह डी ऑर्बिटल जो है खाली होने की वजह से जो लिगेंड होता है उस लिगेंड पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। यानी कि एक मेटल होना चाहिए और मेटल पर डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए और वह डी ऑर्बिटल को जो लिगेंड है वह अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके वजह से इस मेटल और लिगेंड वाले कंपर सिग्मा या पाई बॉन्ड बनाता है। और हम लोग यहां पास एक्सप्लेनेशन सिग्मा बॉन्ड के बारे में देने वाले हैं। चौथे नंबर पर बात करें यहां पास कि जो मेटल है और इस लिगेंड की वजह से मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पर हो तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होगा और अगर मेटल के डी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयरिंग हो तो यह देगा परामैग्नेटिक बनाएगा, यह परामैग्नेटिक बनता है। अनपेयर हो तो यह परामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे ही जब मेटल लिगेंड के पास चले जाता है तब यहां पास ओवरलैपिंग होते हैं जिसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन होता है और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वह तीन तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाएगा, sp3d2, sp3 और dsp2। और इस तरह से जो sp3d2 है इसको आउटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और उसके साथ साथ यह कंपाउंड इस तरह से d2sp3 भी बनता है जिसको इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है।
इनर कंपाउंड भी कहा जाता है। तो यहां पर आउटर कॉम्प्लेक्स कहने की वजह है कि जो डी ऑर्बिटल है वह डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आउटसाइड पर है और यह जो है वह न्यूक्लियस के अंदर की ओर है। उसके बाद एफ और पी ऑर्बिटल उसके बाहर है, इस वजह से इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को इनर कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे ही इसके जियोमेट्रिकल की बातें करें, जियोमेट्रिकल या स्ट्रक्चर की, तो जो जियोमेट्रिकल या स्ट्रक्चर है वह तीन तरह से देगा, लेकिन एक देगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग और एक देगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वह दो तरह से स्ट्रक्चर देगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो दो तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, DSP2 और DSP3 और SP3D। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। जो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे वह दो तरह से हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, SP3 और DSP2। अगर SP3 शो करता है तो उस कंडीशन में उस हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल, और अगर DSP2 शो करता है तब उस हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा। इस तरह से चलिए देखते हैं एग्जांपल कौन के बारे में बात करें, जिसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरस 2 आयन्स। सबसे पहले यहां पास जो आयरन होता है उस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। चलिए यहां पर ऑक्सीडेशन निकालते हैं, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +4 प्लस जो कि आयरन का निकालना है, प्लस साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 × 6 = 0। यहां से अगर देखा जाए तो +4 प्लस आयरन प्लस -6 = 0। इस तरह से जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है +2, तो यहां पर लिख देंगे 2। तो अगर देखा जाए इस आयरन का ग्राउंड स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका 3d6 4s2 और चाहे तो 4p लिख सकते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन 0 है। इस d ऑर्बिटल की बात करें, इस d ऑर्बिटल को लिखा जाए s ऑर्बिटल और यह है p ऑर्बिटल। इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल पर है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। s पर है 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं, और यहां पास इस आयरन में जो कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि इस ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उस कंडीशन पर इसका एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 3d6 और 4s0 और 4p0 रह जाता है। तो इस तरह से जो d ऑर्बिटल होता है तो इस d ऑर्बिटल में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया है 6, और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन था वह जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है इसीलिए वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब यहां पास देखें कि जो इस मेटल के साथ जो लिगेंड है वह लिगेंड वीक है कि स्ट्रांग, तो यहां पास पता है हमको जो CN होता है साइनो वह स्ट्रांग लिगेंड है, और स्ट्रांग लिगेंड को हम लोग बोले हैं कि स्ट्रांग लिगेंड मेटल पर रहने से मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वह पेयरिंग होगा, और इस तरह से पेयर कर देंगे तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन यहां पास है वह ग्राउंड से एक साइडेड स्टेट होकर यहां पास चले जाएगा, और वैसे ही यहां का इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में चले जाएगा। देखते हैं यहां पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था,
तो एक इलेक्ट्रॉन यहां का निकल के इसके पास आ गए और इस वाले का इलेक्ट्रॉन निकल के इस जगह में आ गए, तो ये हो गया पेयरिंग पर हो गया। और इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल पर पेयरिंग है, और जब पेयरिंग होता है तब उसकी जो प्रॉपर्टीज होता है, पेयरिंग होने से जो प्रॉपर्टी है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, डाई मैग्नेटिक। और यहां पास जो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड की संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इस तरह से यहां पास 6 नंबर ऑफ लिगेंड डाल दे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वह D2SP3 बनाता है। इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 का 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। अगर DSP3 है इस कंडीशन में, इसका जियोमेट्रिकल जो बनाता है वह ऑक्टाहेड्रल बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर बनाए ऑक्टाहेड्रल, यह रहा आयरन 2, 3, 4, 5 और ए 6 लिगेंड, जो 6 लिगेंड है जो कि मेटल से घिरा हुआ है, जो मेटल है उस पर 6 लिगेंड है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर ए बनता है, जिसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर हम लोग क्या निकाले, फर्स्ट पॉइंट निकाले हैं इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा, +2, और +2 ही इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी है, और इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर रहा 6, और इसे 6 को सेकेंडरी वैलेंसी भी कहा जाता है। उसके बाद निकाले हैं इस कंपाउंड में जो मेटल है उसके साथ जो लिगेंड है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इस वजह से मेटल के ऑर्बिटल पेयरिंग हुआ, और इस तरह पेयरिंग है इस वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कि डाइमैग्नेटिक शो करता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, और यह कंपाउंड जो है वह इनर कंपाउंड या इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि जो निकिल होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पास दिया गया है जो कि कार्बोनिल का 0 है, और यह 4 = 0, यानी कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पास 0 आता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का 0। कोऑर्डिनेशन नंबर इस निकिल की बात किया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लिगेंड की बात किया जाए तो जो लिगेंड है वह है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, वह जो डी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको पेयरिंग करता है। देखिएगा जो निकिल होता है उस निकिल में टोटल इलेक्ट्रॉन 28, इस तरह से उसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s, 3d8, 4s2 और 4p0 होगा। इस तरह से इस डी ऑर्बिटल को लिखा जाए, और ये रहा पी ऑर्बिटल। इसकी जो ग्राउंड स्टेट है ये है, एक्साइटेड स्टेट में बात किया जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस वजह से यहां का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल डी ऑर्बिटल पर 8 इलेक्ट्रॉन है और एस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस कंपाउंड की जो एक्साइटेड स्टेट होगा तो जो 4s2 पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पास 2 इलेक्ट्रॉन, वह दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएगा। देखिए यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल पर है, और यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में चले गए,
और अगला वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले में आ गए। तो इस तरह से इस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वह सब के सब पेयर है, और पेयर होने के कारण यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वह डाइमैग्नेटिक है। आगे बात करें कि इस कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, चार लिगेंड आया, और इस चार लिगेंड जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनता है। अब इसका जो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 बना है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो जियोमेट्रिकल होता है वह टेट्राहेड्रल बनाता है। तो टेट्राहेड्रल के लिए सेंट्रल एटम जो है निकिल, और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और यहां पास है कार्बोनिल लिगेंड, यहां पास भी कार्बोनिल लिगेंड, और यहां पास कार्बोनिल लिगेंड। इस तरह से यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इस सिद्धांत की लिमिटेशन की बातें करें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो लिमिटेशन है वो क्या है। पहला लिमिटेशन, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वह रंगीन गुण होता है, और इस रंगीन गुण को इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। सेकेंड नंबर बात करें यहां पास कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है डाइमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, अगर उस पर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दे तब उस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस गुण में क्या चेंजेस आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दिया। उसके अलावा जो स्ट्रांग लिगेंड होता है और वीक लिगेंड होता है, इस स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड को इन्होंने अलग से नहीं बता पाया। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन रहा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में।